ये खबर यूपी के लखनऊ से है। यूपी में खाद्य प्रसंस्करण, इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़ा और दवा समेत व्यापार करने में आसानी आई है। उद्योग में आसानी हुई यूपी के सिंगल विंडो क्लियरेंस निवेश मित्र पोर्टल ने इसमें अहम भूमिका अदा की है। योगी सरकार ने 46 जिले में 215 उद्योग लगाए और इन उद्योगों में से 1,32,951 लोगों को रोजगार मिला है। यह विचार बेंगलोर के उद्यमी संजीव निशटल ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग की ओर से यूपी के 4.5 सालों के कार्यकाल पर हो रही एकेडमिक संगोष्ठी की। यूपी के औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने में 2018 में आयोजित हुए इन्वेस्टर समिट में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। देश विदेश के उद्योगपतियों ने यूपी सरकार की सराहना करते हुए 1,045 प्रस्ताव सरकार को सौंपे। श्री संजीव ने कहा कि सरकार उद्योग धंधों को लेकर गंभीर है। साल 2019 में 50,000 करोड़ के ऊपर के निवेश यूपी में हुए हैं। उन्होंने बताया कि अभी कुछ दिन पहले यूपी के सर्वांगीण विकास के लिए मुख्यमंत्री ने एक क्रांतिकारी कदम उठाया, यूपी रोजगार योजना शुरू की। यह राज्य में सभी 822 ब्लॉकों में शुरू की गई है। कार्यक्रम के संयोजक पूनम कुमारी ने पीएम नरेंद्र मोदी के 15 अगस्त के वक्तव्य का हवाला देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में योगी के नेतृत्व में उद्योग धंधों और कपड़ा व्यापार को पंख लगे हैं और डबल इंजन की सरकार रफ्तार से विकास के प्लेटफॉर्म पर दौड़ रही है।